तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितना क्राउड है, कितनी फैन फॉलोइंग है हमारी, कितने लोग आए हुए हैं उसे मिलने के लिए। नहीं जानता हूँ इसको, मिल जुल के मैं ही जानता हूँ। डेढ़ बंदा जानता है, दो दूसरा बंदा ये रहा भाई, ये भी जानता है। डेढ़ बंदे तो देख रहे हैं फैन फॉलोइंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और इस वक्त मुझे देख रहे होंगे वो भी ईद के कपड़ों में। तो पहली बात तो ये, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो भाई। अल्लाह आप लोगों को, आपकी फैमिली को खुश रखे, आमीन। और दूसरी बात ये है कि अभी बज रहे हैं 4:50, 4:50 हो रहे हैं। हम लोगों ने नहा लिया है और नमाज वगैरह पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। अब हम लोगों को ईद की नमाज पढ़नी है, तो मुन्ना भाई को और सद्दाम भाई को कॉल कर दिया मैंने कि रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो पहले मुन्ना भाई को पिक करते हैं, फिर चलते हैं सद्दाम भाई के पास। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, और जो देख रहा है उसका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरे। अल्लाह से दुआ करते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुन्ना भाई तो माशाल्लाह रेडी होके आ गए हैं। माशाल्लाह भाई, टॉप शॉप पहन के आए हो? चलो सद्दाम भाई को पिक करते हैं फिर निकलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए सद्दाम भाई के घर के पास, और सद्दाम भाई आके बैठ रहे हैं अभी गाड़ी में। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब सद्दाम भाई को पिक करके हम लोग चलते हैं सीधा। वालेकुम अस्सलाम, अब चलते हैं सीधा हम लोग ईद की नमाज के लिए, चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं सैयद शहदा के पास सद्दाम भाई और मुन्ना भाई के साथ, लेकिन हमें पार्किंग मिली है बहुत दूर, लेकिन कोई मसला नहीं, पहुंच जाएंगे हम लोग। चलने का भी सवाब मिलता है, जितने कदम चलोगे उतना सवाब मिलेगा। फिर तो घर के पास ही खड़ी कर देते हैं यार गाड़ी, पैदल ही आते हैं। घूमना जितना मजा नहीं, घर पहुंचे नहीं जितने घूमना वो सारे साफ हो जाता है, और पहुंचे वैसे भी नहीं वापस आ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मस्जिद के पास पास पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा रश है, देखो कहाँ पे जगह मिलती है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। को जगह मिल गई है, हम लोग इधर ही बैठ गए हैं, इधर सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग आगे बैठे हुए हैं। तो इधर सब लोग खड़े हो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम लोग भी खड़े हो गए हैं तो नमाज पढ़ते हैं अभी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह सब ने ईद की नमाज पढ़ ली है, और सब एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं, और मुन्ना भाई हमारे अपने शूज बांध रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, रोनों पे लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं। यहाँ से देखो कितनी हवा मार रही है। तो अब हम लोग जाते हैं कोई नाश्ता वगैरह देखते हैं और जाके नाश्ता करते हैं। तो सद्दाम भाई जा रहे हैं फटाफट नाश्ता देखने के लिए, हम भी उनके पीछे पीछे। तो अब हम लोग सीधा जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और जाके क्या करेंगे, नाश्ता नाश्ता करेंगे। तो सीधा चलते हैं नाश्ते में, तो देखते हैं क्या सीन है। रश बहुत ज्यादा है, अब देखते हैं कि हमारी गाड़ी फंस तो नहीं गई होगी भाई, हम लोग फटाफट निकल जाएं, रश बहुत ज्यादा है। तो ये है वो वादी जहाँ पे सद्दाम भाई गिर गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, इसी वजह से हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे वादी, यहाँ पे पूरे मदीने का पानी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितना क्राउड है, कितनी फैन फॉलोइंग है हमारी, कितने लोग आए हुए हैं उसे मिलने के लिए। नहीं जानता हूँ इसको,
मिल जुल के मैं ही जानता हूँ, डेढ़ बंदा जानता है, दो दूसरा बंदा ये रहा भाई, ये भी जानता है, डेढ़ बंदे तो देख रहे हैं फैन फॉलोइंग। तो यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ियों की तरफ, अपने घर। यार जब आए थे रास्ता बड़ा छोटा था, अभी रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, हमें अपनी गाड़ी ही नहीं मिल रही। कब मिलेगी गाड़ी? आगे खड़ी है ना, अभी और आगे, वो यहाँ पे 80 का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे गाड़ी। चलो तो हम लोगों ने सामान शामान ले लिया है, अब जा रहे हैं हम सद्दाम भाई के घर में, कुछ और भी दोस्त वेट कर रहे हैं। वो हमारे शरीफ दोस्त आ रहे हैं ईद मिलने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा कहाँ है? किधर छुप गया? निकल, आ गया आ गया, सलीम भाई की एंट्री। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों सीन ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ दोस्तों वगैरह से, ईद वगैरह मिली सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब बहुत थक चुका हूँ मैं, घर जाके आराम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो लेटर। हाँ जी, तो कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद? आई होप कि बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तो तकरीबन थोड़ी सी सो के गुजरी है। तो सीन ये हुआ है कि मैं सुबह जब आया हूँ तो मैं सो गया आके, क्योंकि बहुत थका हुआ था कल से काम की वजह से। तो फिर अभी अभी पापा ने उठाया, बोलते चलो भाई। बोला किधर जाना है? बोलते मेहमान आए हुए हैं, हाजी आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनको पिक करके लाना है, उन्होंने लोकेशन भेजी है, और तुम्हें पता है मुझे लोकेशन नहीं चलानी आती, तो तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपनी नींद कुर्बान करके उठ गए हैं ताकि मेहमानों को उठा के ले आए, मतलब पिक करके ले आए यार। तो ऐसे ही साथ रहो, मुझे नहीं पता कौन से मेहमान है और क्या सीन होने वाला है, और मेहमानों के साथ मुझे नहीं लगता मैं वीडियो बना पाऊंगा, मतलब वो आएंगे मेहमान। हाँ भाई, ये देखो इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, ऐसा ऐसा होगा ना, फिर इंशाल्लाह सब कुछ दिखाऊंगा। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, ऐसे ही साथ रहना। इतनी कोई गर्मी है मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, मैंने एसी हाई पे किया हुआ लेकिन अभी तक गर्मी लग रही है। लेकिन आई होप कि जब तक हम लोग मेहमानों के पास पहुंचे हैं एसी ठंडा हो जाए, ताकि उन बेचारों को तो आराम से बिठा के ले आए। और बाकी मेरी हालत देख ही रहे होगे आप, मेरी निशैयों वाली हालत हुई है कि सोया नहीं हो सही से। यार कोई मसला नहीं, ईद है, इंजॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे साथ रहना, दिखाते हैं आपको आज हमारे साथ क्या 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 सीन होते हैं। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं होटलों के पास, लेकिन हमें जिनको पिक करना है हमें उनका होटल ही नहीं मिल रहा भाई। अब देखो क्या होता है, अल्लाह खैर करे। लोकेशन कहीं और बता रही है और पापा कहीं और बता रहे हैं और मैं कहीं और जा रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। अल्लाह करे ये लोग जल्दी मिल जाए, इनको लेके जाए, खाना छाना खिलाए। यार टाइम हो रहा है 2 बज गए यार, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, अल्लाह ही खैर करे। हमें अपने हाजी तो मिल नहीं रहे, कोई और हाजी आके बैठने लगा था, बोलता भाई आपने कॉल की थी ना। मैंने बोला भाई मैंने किसी को कॉल नहीं की, असल में वो बंदा था ही नहीं, वैसे मैंने हाजियों को देखा नहीं है, कहीं वही तो नहीं था। नहीं नहीं वो नहीं होगा। तो अभी हम लोग पहुंच तो गए हैं होटल के पास, अब अल्लाह करे ये हाजी लोग कॉल उठा लें। पापा कब से कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं उठा रहा कोई, तो अल्लाह करे ये लोग कॉल उठा लें, फटाफट इन लोगों को लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं है। हम लोग ऐसे ही रोड पे खड़े हुए हैं, बहुत मसला इसका, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों ने कॉल उठा ली है, अब इनको पिक करते हैं और घर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी गुजर रही है आप लोगों की? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है आज? आज मैं सोता ही जा रहा हूँ यार, इतनी नींद कहाँ से आ रही है मुझे खुद समझ नहीं लग रही। खैर अभी बज गए हैं 9 बज गए हैं यार, दिन खत्म हो गया ईद का और पता ही नहीं चला, जैसे रमजान का पता नहीं चला। खैर अभी सद्दाम भाई से बात हुई है, सद्दाम भाई की फैमिली घर पे नहीं है और उस बेचारे ने कुछ खाया नहीं है कुछ उस बेचारे ने, और दूसरे दोस्तों उनसे मैं मिला नहीं हूं अब तक, तो वो भी थोड़ा बहुत गिला शिकवा कर रहे हैं क्योंकि बेचारे के पास गाड़ी नहीं है।
लेकिन नो प्रॉब्लम, सबसे मिलेंगे बारी बारी। वो बिलाल सईद वाली बारी नहीं, मतलब वन बाय वन सबसे मिलेंगे। तो अभी बस ये सीन है कि मैं घर में बिरयानी वगैरह बनी पड़ी है, वही लेके जा रहा हूँ सद्दाम भाई के साथ, जाके खाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है और किस किस के पास जाके मिलना है। तो ऐसे ही साथ रहना, चलते हैं जी। तो हमारे दोस्तों, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया है सद्दाम भाई के साथ, और अब हम लोग जाने लगे हैं कहीं बाहर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। सद्दाम भाई के कजन मिल गए थे हमें, मौलवी साहब, तो वो कुछ समझा रहे थे हमें इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में। सीखना भी चाहिए, सीखना चाहिए बंदे को। बंदा वैसे भी पैदा होने से मरते दम तक सीखता ही रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं, देखते हैं क्या करना है। हाँ जी, तो सीन ये है कि हम लोग शूज देखने आए हैं ईद के पहले दिन, क्योंकि हम लोगों के शूज पुराने, यार नए शूज देखने हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो इधर अभी देखते हैं हमें कौन सा शूज पसंद आता है। भाई ये कैसा है, कितने का चक्कर? अच्छे शूज तो मुझे लगता है बिक चुके हैं। तो हम लोग लेने तो शूज आए थे, लेकिन हम लोगों ने साथ काफी खर्चा कर लिया है, साथ हम लोगों ने वॉलेट भी ले लिया है और साथ चश्मे भी ले लिए हैं, बैग भी ले लिया है। क्या बात है भाई, ये देखिए। तो हम लोगों ने 200 रियाल की तकरीबन शॉपिंग कर ली, ऐसे ही मजाक में यार। तो हम लोगों ने वहां से चश्मा भी ले लिया, ये सद्दाम भाई के लिए वॉलेट भी ले लिया, और मैंने एक बैग भी ले लिया, और साथ हम लोगों ने लिए शूज। इतने में ही कितना खर्चा हो गया भाई, 200 रियाल का खर्चा हो गया यार इतने से सामान में। चलो कुछ सामान वामान लेते हैं यहाँ से और चलते हैं, बहुत लेट हो गए। तो ये हम लोग आए अपने दोस्त के पास, ये पाकिस्तान से अभी आया, इसे ईद चीज मिल रहे हैं, अभी इसको लेके जाते हैं। खींच रही ना, बना रहा हूँ। अभी यहाँ से एक हमारा दोस्त निकलेगा, ये कब निकलेगा लेकिन हमें पता नहीं है। आने वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक भाई, व्लॉग वालों ईद मुबारक। तो ये हमारे दोस्त सामान वगैरह ले रहे हैं, अब जाके हम लोग बैठते हैं रूम पे आराम से, कब से हम लोग घूम रहे हैं। ये देखो बंदे सामान लेके आ रहे हैं, देखो माशाल्लाह कितना सामान लेके आ रहे हैं, कितना सामान लेके आ रहे हैं। तो हम सबकी तरफ से कोई बोल क्यों नहीं भाई, ईद मुबारक भाई, हम सबकी तरफ से आप लोगों को, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आमीन। बंदे बाथरूम में खोल के बैठ देते, ये बैठा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा दोस्त बाथरूम में फंस गया है, बाथरूम में घुसा है, बाथरूम ही नहीं खुल रहा। अब कौन खोलेगा हमारे दोस्त को, कौन निकालेगा इसे बाथरूम से? सद्दाम बाथरूम खुला, छोड़ छोड़। हाँ जी, तो हमारे प्यारे दोस्तों, दूसरा दिन शुरू हो गया ईद का, और 6:18 हो रहे हैं। तो दोस्तों वगैरह से सबसे मिल लिया, एंजॉय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वीडियो वगैरह मैंने इस वजह से नहीं बनाई दोस्तों की, ज्यादा दोस्तों के साथ कुछ दोस्तों को वीडियो में आना पसंद नहीं है, इस वजह से कोई मसला नहीं। और अभी पापा की कॉल आई है मुझे, जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए हैं उनको सामान पहुंचाना है, और साथ ही साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो यार सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।